दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे दिलों के करीब है। वो है दुरूद शरीफ की बरकत और रूहानियत का सफर। आपने कभी सोचा है कि दुरूद शरीफ की कितनी तादाद पढ़ने से हमारी रूह अल्लाह के करीब होकर रूहानियत के सफर पर गामजन होती है? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि दुरूद शरीफ की अजमत क्या है और किस तरह इसका विर्द हमारी दुनियावी परेशानियों का खात्मा कर सकता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज बरकतें ला सकता है। तो आइए इस कीमती इलम की रोशनी में एक नए सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ की अजमत को समझना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ये आयत मुबारक हमें दुरूद शरीफ की फजीलत और उसकी अजमत को वाज़े करती है। जब खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो हम जैसे बंदों के लिए इस अमल की क्या अहमियत होगी। ये दुरूद शरीफ ही है जो हमारे दिलों को नूर और हमारे अमाल को बरकत से भर देता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुरूद शरीफ की कितनी तादाद मुकम्मल की जाए कि हमारी रूह अल्लाह के करीब हो जाए और रूहानियत के सफर पर प्रवास करे। इस बारे में उलमाए कराम और सूफिया कराम ने मुख्तलिफ बातें बताई हैं, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये तादाद की कैद से ज्यादा दिल की इखलास और नियत पर मुनसर है। कुछ बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रोजाना 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसके दिल पर एक रूहानी रोशनी पैदा होती है जो उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। दुरूद शरीफ के बेशुमार दुनियावी फवायद भी हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ करता है, उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, ज़हनी दबाव कम होता है और दुनियावी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये दुरूद शरीफ ही है जो हमें अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोलने में मदद देता है। आखिर में मैं आपको एक खास वजीफा बताता हूँ जो आपकी जिंदगी को हैरत अंगेज बरकतों से भर सकता है। ये वजीफा फजर की नमाज के बाद करना है। दोस्तों, पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 313 मरतबा पढ़ें और आखिर में फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस वजीफे को मुसलसल 21 दिन तक करें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसी बरकतें और खुशहाली आएंगी जिनका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर आप इस वजीफे को खुलूस दिल के साथ करेंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी जिंदगी में ऐसी बरकतें जाहिर होंगी जो आपको हैरान और दंग कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात खत्म हो रही हैं, दिल की मुरादें पूरी हो रही हैं और आपके रूहानी सफर में तरक्की हो रही है। ये एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ आपकी रूहानी दुनिया को रोशन करेगा, बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी कामयाबी और सुकून का बाइस बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमती वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।